हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। आज का हमारा आर्टिकल रहेगा किसी भी धारावाही टोराइड परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, और ये आर्टिकल हमारा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन और एज ए न्यूमेरिकल हमें करना है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था हमने फॉर द सर्कुलर कैरिंग कॉइल के लिए या लूप के लिए, ठीक है। तो उसकी हेल्प से ये आर्टिकल हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। किसी भी धारावाही टोराइड लंबी टोराइड के अंदर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्लियर। तो उसके लिए हमने फिगर नंबर वन में इसको स्केच किया है, और फिगर नंबर वन में हमारे पास कोई भी रॉड बोर्ड या चीनी मिट्टी से बनी कोई हमारे पास सोलेनोइड है, और इस लॉन्ग सोलेनोइड के अराउंड हमने तांबे के तार को राउंड किया है। इस प्रकार से हमने शो किया है कि हमारे पास कॉपर के वायर हैं, और इस कॉपर के वायर को हमने क्रोड बोर्ड या चीनी मिट्टी से बनी सोलेनोइड के ऊपर राउंड किया है, क्लियर। और इसमें हमने स्मॉल आई करंट धारा को फ्लो कराया है, प्रवाहित कराया है, क्लियर। और इस कंडीशन को हमने शो किया है, हमारे पास कोई पॉइंट है ओ, ये हमारे पास केंद्र है, और अनदर पॉइंट है हमारे पास पी और क्यों। तो हमें फाइंड करना है सेंटर पे। इसके अलावा हम केसेस भी करेंगे, इसके डिफरेंट केसेस करेंगे आउटसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड, इसके बाहर क्या होगी वैल्यू, और सेंटर पे, और इसके मिडिल में, क्लियर। तो तीन केस करेंगे इसके, बट उस लेकिन उससे पहले हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। और इसके लिए फिगर में हमने शो किया है, तो ये हमारे पास कोई लॉन्ग सोलेनोइड है जिसके अराउंड हमने कॉपर के वायर को लपेटा है, राउंड किए हैं। तो उसके लिए पहली कंडीशन हमने शो की है, लेट अस सपोज ए लॉन्ग सोलेनोइड वायर लेंथ इज स्मॉल एल। हमने माना कि हमारे पास जो एक लंबी परिनालिका है टोराइड परिनालिका है उसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, क्लियर। नंबर ऑफ राउंड्स कैपिटल एन, जो हमने ये इसके फेरे संख्या दी है, इसको राउंड किया है इसके चारों ओर, तो कितने हैं, कैपिटल एन। एंड करंट फ्लोइंग स्मॉल आई देन क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए सोलेनोइड। और जब हमने इसको आई करंट विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो उस समय इस लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर और बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्लियर। तो उसको फाइंड करेंगे हम। दस मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ स्मॉल एल विल बी, तो एकांक लंबाई के सापेक्ष जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, बी इक्वल म्यू नॉट आई कैपिटल एन अपॉन एल। ये हमारी क्वेश्चन नंबर वन फॉर्मेट हुई है। इससे पहले हमने आर्टिकल किया था मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सर्कुलर लूप, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वहां से उस टॉपिक को वॉच करेगा, और इसमें यूजफुल तो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला था हमारे पास बी इक्वल म्यू नॉट आई एन अपॉन टू पाई आर, और टू पाई आर हमारे पास वो पूरी सर्कमफ्रेंस थी, उसमें से पाई को हमने रिमूव किया था, तो नीचे आएगा टू आर, क्लियर। तो यहाँ पे उसकी लेंथ क्या है, कंप्लीट लेंथ है इस सोलेनोइड वायर की, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमने लिया है एज अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर लूप, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार का सर्कुलर लूप वृत्ताकार फॉर्म में ही है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर वन हम
हमने फॉर्मेट किए हैं एज अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर लूप आर्टिकल से, क्लियर। तो बी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन एन अपॉन स्मॉल एन, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। तो हमेशन लिख दी हमको सर्कुलर लूप, तो बी इक्वल म्यू नॉट आई कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ये पर यूनिट लेंथ के लिए मैंने फील्ड है, क्लियर। अब बात करेंगे हमने कंडीशन दी लेटेस्ट नंबर ऑफ राउंड स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ, अगर हमने माना कि जो हमारे पास फेरवु संख्या है वो कितनी है स्मॉल एन है, ठीक है। तो इसको के इसको मेजर करने के लिए जितने नंबर हमारे पास है राउंड के टोटल नंबर कितने हैं कैपिटल एन है और लेंथ कितनी है स्मॉल एन, तो हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई के सापेक्ष फेरों की संख्या कितनी होगी कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, क्लियर। ध्यान देना यहाँ पे बिल्कुल मत होना, स्मॉल एन हमारे पास ही है, ये पर यूनिट लेंथ के लिए नंबर ऑफ राउंड है और कैपिटल एन क्या है ये कंप्लीट राउंड है, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, अब इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे ये टर्म यहाँ से एन अपॉन एल ये बन जाएगा स्मॉल एन, तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा हैंस वी कैन से राइट बी इक्वल म्यू नॉट आई इंटू एन, क्लियर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड, तो बी इक्वल म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन हमारे पास क्या है ये इस टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यापक इवेंट है, क्लियर। इसको एक बार स्पीड से देखते हैं, हमारा इजी आर्टिकल है, दो ही स्टेप से ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिगर वन स्केच की है, फिगर वन में हमने कोई भी क्रोड बोर्ड लिया है या चीनी मिट्टी से बनी कोई लॉन्ग सोलेनोइड ली है और इसके ऊपर हमने कॉपर तांबे के जो तार हैं उनको राउंड किया है, नंबर ऑफ राउंड लिए हैं इस प्रकार से, और इस पूरी सोलेनोइड में हमने आई करंट को फ्लो किया है और उसके बाद करंट फ्लो होने के बाद इस मैग्नेटिक इस इनसाइड और आउटसाइड क्या हो जाएगा इसके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, क्लियर। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, क्लियर। तो उसके लिए कंडीशन लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, तो कितनी होगी वो एकांक लंबाई के लिए, इसमें सर्कुलर लूप जैसी आपको कंडीशन शो करानी है और पहली क्वेश्चन बनी है हमारी बी इक्वल म्यू नॉट आई एन अपॉन एल, क्लियर, बाय यूजिंग द सर्कुलर लूप रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो उसके बाद हमने इसको लेटेस्ट किया स्मॉल एन हमने माना आपका नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा एन अपॉन कैपिटल एल और इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे या पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन आई इंटू एल, क्लियर है इसको, क्लियर। अब बात करेंगे इसके स्पेशल केसेस, तो बात करेंगे हम स्पेशल केसेस की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड, जब बात करेंगे हम लंबी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा अभी फाइंड किया हमने बी इक्वल म्यू नॉट एन और आई, क्लियर। तो ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वही क्या है इनसाइड के लिए भी क्या है मैं एक्सप्रेशन देना है, क्लियर। और अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड, आउटसाइड में हमारे पास पॉइंट क्यों है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें करंट का फ्लो हो जाए और जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, तो ये क्या रहेगा जीरो रहेगा, क्लियर। मीन्स जितना ये सेंटर से ऊपर होगा उतना ये क्या होगा नीचे भी होगा, मतलब ईच जो हमारे पास अपोजिट इसके रेडियस है उन सबके लिए ये एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना रहेगा ये जीरो रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है लॉन्ग सोलेनोइड कितना रहेगा जीरो, तो उसके बाहर कितना रहेगा जीरो रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। और लास्ट मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन फ्री स्पेस इन लॉन्ग सोलेनोइड और लंबी प्रणालिका के अंदर जो रिक्त स्थान है उसके लिए भी क्या रहेगा ये जीरो रहेगा, मीन्स दोनों केस में आउटसाइड में और फ्री स्पेस में ये क्या रहेगा इसकी वैल्यू जीरो रहेगी, केवल कहा वैल्यू ऑप्टेन होगी इसकी इन साइड, ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र
सोलेनोइड के अंदर हमें मिलेगा बी इक्वल म्यू नॉट एन आई, और इनके लिए मिलेगा आउटसाइड भी जीरो मिलेगा, बाहर तो बाहर की और एक स्थान में भी क्या मिलेंगे जीरो मिलेगा। तो सरकार ये आपको कंप्लीट आर्टिकल पूरा करना है और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन और एज ए न्यूमेरिकल ये प्रिपेयर करना है। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो बाई कमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।